हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। भाई सुबह सुबह मैं रेडी हो चुका हूँ क्योंकि आज अपने को काम है, अपना ऑफिस स्टार्ट हो रहा है तो छुट्टियाँ ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है, अब काम करना पड़ेगा। मैं अभी खाना खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था तो सुनील के शादी में कुछ चीज़ें मिली, जैसे ये बॉक्स मुझे अभी मिला, इसमें काजू किशमिश ये सब चीज़ें हैं। तो चलो देखते हैं इसको टेस्ट करके, ठीक है? क्या ही ड्राई फ्रूट्स में क्या ही टेस्ट करना है। माई फेवरेट इज किशमिश। आप लोग इन्हें कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखना दोस्तों, किशमिश लेने के चार पाँच काजू लेने के और इनको खा के देखने का, एक साथ एक नंबर कॉम्बिनेशन है भाई। हमारे जो सबसे बड़ा मैंगो का पेड़ है ना, उसके सारे आम गिर रहे हैं भाई नीचे, कच्चे आम। ये देखो ऐसे हो गए, सारे के सारे आम गिर रहे हैं। बुरा लग रहा है भाई, दिल से बुरा लग रहा है। इतना उनको हमने पालन पोषण किया था, वो सब गिर रहे हैं अभी। हवाई इतनी तेज आ रही है, क्या करें भाई। ये देखो ये वाला आम, इसके सारे मैंगोज गिर रहे हैं। एक पंगा हो गया है भाई, मेरे जो हेडफोन्स है ना वो कहीं पे गायब हो गए भाई। जो मैंने इस मोबाइल के साथ लिए थे ना, वो हेडफोन्स ही नहीं मिल रहे हैं। मुझे याद ही नहीं आ रहा है कहाँ पे रखे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, वो हेडफोन मेरे बहुत फेवरेट थे, उससे आवाज़ एक नंबर आती थी। उसका मैंने लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की मेरे मोबाइल से, पर वो ट्रेस ही नहीं हो रहा यार, क्योंकि उनकी वो शायद बैटरी डिस्चार्ज हो रखी होंगी उस हेडफोन्स की। देखना पड़ेगा यार। हमारे कबाड़ में से सारा सामान निकाल के देख रहे हैं हमारे हेडफोन कहाँ पे है, मिल ही नहीं रहे है भाई। तीन चार दिन हो गए भाई, पूरी रूम छान मारी हमने, हेडफोन तो नहीं मिले। अब नीचे ढूंढते हैं, नीचे नहीं मिले तो हेडफोन्स को दे देंगे भावपूर्ण श्रद्धांजलि, ठीक है? टाटा बाय बाय बोल देंगे उनको। भाई आज फर्स्ट ऑफ मे की भी छुट्टी थी, मुझे याद ही नहीं था। मैं आज फिर से काम करने के लिए बैठ गया और फिर मुझे पता चला भाई आज भी छुट्टी है। मैं कितना डेडिकेटेड हूँ काम करने के लिए, पता है तुम लोगों को। तो अभी मैं फ़िलहाल फिर से क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि अपने को छुट्टी थी। अपने को अभी अभी याद आया कि भाई छुट्टी है। और ये देखो भाई हमारा घर कैसा दिख रहा है, अभी सूर्यास्त हो रहा है उसके लाइट में कैसा दिख रहा है। और हमारी घर की लाइटिंग भी निकल चुकी है। देखो यहाँ पे भाई साहब है ना जो काम कर रहे हैं ना, हमारी लाइटिंग निकाल रहे हैं घर की। ऑफिशियली घर का फंक्शन मोड अभी ख़त्म होता है। अब पता नहीं कब हमारे घर को लाइटिंग लगेगी, कब हमारा घर सजेगा, कौन सा फंक्शन होगा जब हमारे घर में लाइटिंग सजेगी, ठीक है? तो देखते हैं क्या सीन होता है। आई होप जल्द से जल्दी हमारे घर पर खुशियाँ आए और हम ऐसे सेलिब्रेट करें। फिलहाल मैं और सचिन जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। आज वैभव नहीं, वैभव तो शादी से आया ही नहीं भाई अब तक। सुनील नासिक गया है, सुनील नासिक नहीं, सुनील ओला गया है, उसका कुछ काम था। अभी हम लोग कुछ ओला ही है, सचिन भाई की गाड़ी लेके जाते हैं। ओए भाई धीरे धीरे। और भाई मेरे हेडफोन तो मिले नहीं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमने दे दी है। अभी अभी पूरा चप्पा चप्पा छान के मारा हमने, हर एक कोना कोना छान के मारा, पर वो हमारे हेडफोन मुझे लास्ट टाइम याद है जब वो कलर वाले आए थे ना, तो कलर देते टाइम है ना हमने घर में से सारा सामान निकाला था, तो उसमें से मेरा हेडफोन वॉच वो मैंने निकाला था। और उस दिन मैंने उनको लास्ट देखा था, मैं शादी के माहौल में नहीं गए, उससे पहले गए हैं। मुझे नितिन शादी में आया ना, तो नितिन को हेडफोन चाहिए थे। तब नितिन ने मुझे पूछा भाई तेरे हेडफोन दे मुझे, तब मैं ढूंढने लगा, पर शादी के गड़बड़ी में रह गया। फिर आज मुझे टाइम था तो आज ढूंढे, तो पता चला भाई वो तो अब रहे नहीं, लटक गए, उनका फोटो लग गया दीवार पे अभी। ओ भाई बहुत बुरा लग रहा है, बहुत सही हेडफोन थे यार, वो बहुत सही थे। ये देखो भाई क्रिकेट चल रहा है यहाँ पे। भाई आज हमारे घर बनने वाला है आमरस। मम्मी जी तो आमरस बनाने की तैयारी कर रही है। क्यों बन रहा है मम्मी आमरस जरा बताओगी? मेरे सासू माँ के लिए। मेरे सासू माँ के लिए। हाँ। मौसी ने क्या किया है? मौसी ने क्या किया है फिर? मौसी लानी सासू माँ। हाँ भाई, क्योंकि कल हमारे मौसी जी और सासू माँ जाने वाले हैं उनके घर, तो टू मेक देम फील स्पेशल वी आर मेकिंग आमरस, ठीक है? आमरस और पूरन पोई। किधर गए हमारी पूरन पोई? किरण बोल इधर है इसके अंदर, ठीक है? और कल
मम्मी की जो बहू है वो भी आने वाली है हमारे घर, नई वाली बहू, ठीक है, छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू। तो मम्मी कैसा लग रहा है, छोटी बहू आएगी, तुम्हारा काम कम होगा ज्यादा होगा क्या होगा? मोटी बहू आ लेते हैं, तवा दस वाट लेते हैं, सुलानी बहू आ लेते हैं। पॉलिटिकली करेक्ट आंसर गाइस। सार का सवाल है। तुम्हारा वर्कलोड, तुझं काम कमी होईल का जास्त होईल? कमी होईल। मम्मी अभी रिलैक्स करेगी, एंजॉय करेगी, ठीक है, थोड़ा सा जिंदगी एंजॉय करेगी मम्मी। और बड़ी बहू, छोटी बहू और सास में कलेश होंगे, है ना मम्मी? मैं तो बड़ी चाहिए। सास बहू और इनका कलेश शुरू होगा फिर, है ना, इसने ये किया, उसने वो किया, ये करना चाहिए था, वो सारी सीरियल रियल लाइफ में आ जाएगी। हाँ, एक बार होने दो बड़ा वाला। एक और कलेश छोरी इधर है, ये देखो एक और कलेश छोरी इधर है। पायल, कलेश करोगे ना तुम नई बहू आने के बाद? झगड़ा? चलो भाई खाना वाना खा लेते हैं। आमरस पोड़ी बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो नॉन महाराष्ट्र ने ट्राई करना भाई, अगर महाराष्ट्र आते हो तो इस सीजन आमरस पोड़ी, ठीक है। और इन दोनों का आज लास्ट है हमारे घर, कल ले जाने वाले उनके घर। तो भाई अभी हम लोग आए एक शादी अटेंड करने के लिए, हमारे क्रिकेट खेलने वाले टीम मेंबर के भाई की शादी, उसको विजिट करने के लिए आ गए हम लोग। चलो भाई दूल्हे को तो हमने मिल लिया है। भाई यहाँ पे आग लगी थी और हम रास्ते से जा रहे थे, और हमारे दोनों भाइयों को वो देखना था कि क्या हो रहा है वहाँ, क्या जल रहा है, तो इसके लिए घर का रास्ता छोड़ के इधर चले आए। ऐसा है इनका सीन। नहीं भाई, कोई किसी के हमारे बच्चे से जान बच जाती तो फिर कितना अच्छा लगता हमको, कितना अच्छा लगता। अच्छा, इसलिए सोच समझ के सुनसान सड़क। तो चलो भाई सो जाते हैं, कल सुबह हमें जल्दी निकलना है सुनील की बीवी को घर लाने के लिए, ठीक है। तो मुझे और वैभव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और हमें सुबह जल्दी जाना है, जल्दी आना है, क्योंकि हमारा ऑफिस शुरू होने से पहले हम घर होने चाहिए। वैभव का भी ऑफिस थोड़ा लेट रहता है, मेरा भी लेट रहता है, तो इसलिए हमें भेज रहे हैं, क्योंकि हम सुबह जाएंगे फटाक से खाना वाना खा के रिटर्न हो लेंगे, ठीक है। तो वही सीन है, इसलिए जल्दी सोने के लिए आ गया हूँ शादी वादी अटेंड करके। तो मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में, कल से तो इस रूम में हम आ नहीं पाएंगे, है ना पायल? फिर क्या, मुझे तो थोड़ी शर्म सी भी आएगी ना, है ना पायल? है ना पायल? हाँ यार, दोपहर में ये रूम बहुत ठंडी रहती, दोपहर में सो सकते हैं इधर हम लोग, दोपहर में मस्त यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है इस खिड़की से, ये दरवाजा खुला रहता है, ऊपर से फैन रहता है, एक नंबर नींद आती है यहाँ पे। हमारे रूम में बहुत गर्मी होती है। आज तो भाई घर के ऊपर के लाइटिंग भी निकल दी, अभी मैं आ रहा था ना शादी से, तो मैंने देखा भाई यार घर इतना मतलब अजीब सा दिख रहा था ना, आज आदत हो गई थी ना वो लाइटिंग देखने की, दूर से घर दिखता था, पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार हो गया ख़त्म, अभी शादी का जो था ना, जो एनर्जी थी, जो फ्लो था, ख़त्म हो गया। तो बैक टू नॉर्मल लाइफ गाइज, बैक टू नॉर्मल ब्लॉग्स, बैक टू नॉर्मल रूटीन। और अब मुझे कमेंट्स भी आएंगे, भाई स्वप्निल बोर हो रहा है तेरे ब्लॉग से, क्या ही कंटेंट बनाते हो, क्या ही, छोड़ दो ब्लॉगिंग। आज तुम्हारे दो सब्सक्राइबर मिले थे मुझे, कहाँ मिले थे? केवला में। आजकल ज्यादा सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, उस दिन भी सचिन गए था वहाँ पे, मैंने चश्मा भी पहना था, ये टी शर्ट भी था, फिर भी मुझे पहचान लिया उन्होंने। भाई मजे है तेरे फिर, इट मीन्स भाई मैं कभी कभी सोचता हूँ जो लोग मतलब
मेरे ब्लॉग में आते हैं उनको लोग पहचान रहे हैं। जैसे अभी सचिन उस दिन गया था, सुनील को बाहर गया तो पहचान लिया। मान लो ये लोग कभी पर्सनल कभी कहीं कहीं घूम रहे हो, मान लो सचिन की कोई गर्लफ्रेंड हो, सचिन उसके साथ घूम रहा है, कोई सब्सक्राइबर देख ले क्या ही सीन होगा। वैसा वैसा मुझे ये लगता है यार कि मैं इन लोगों की थोड़ा सा प्राइवेसी, प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज मैं इन लोगों की प्राइवेसी ब्रीच कर रहा हूँ। पर ठीक है, ऐसी रेयर चीजें होती। और सचिन की गर्लफ्रेंड भी नहीं है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा चलो भाई, मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों।